चलो निकल रहे भाई, हैं यहाँ से, मिलते हैं स्पीति के लिए। गोइंग टाटा, बाय बाय, सी यू सून। पेट्रोल फुल या स्लो चलने हैं, ठीक है? सो गाइस, इट्स अराउंड कितना बज गया भाई, 1:35 हो गया है, 1:35 AM। और शिमला यहाँ से 80 किलोमीटर रह गया है। शिमला चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, पंचकुला पे है करंटली हम। तो यू कैन सी हल्के हल्के रोड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हियर इज, पीछे हमारे साहिब है, उनको ठंडा भी से लगने लगी है, ठंड लग रही है। स्पीति जाएंगे -30-40 में पंचकुला में, ठंड लग रही है भैया को, और कैंपिंग करेंगे स्पीति में। सो इट्स 42 किलोमीटर सोलन एंड 80 किलोमीटर शिमला। तो स्लोली जाएंगे, अब तो वैसे भी स्पीड कम हो जाएगी पहाड़ पे जाएंगे तो। बट आई थिंक वी आर होपिंग कि हम 3-4 बजे पहुंच जाएंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टे। कहाँ पे रुक रहे हैं यार, बहुत जोर से भूख लग रही है, और अभी मुझे लग रहा है क्या है उसका, सोलन भी आई थिंक 20 किलोमीटर होगा अभी। एंड हमें ढाबे नहीं मिल रहे कोई भी, मतलब इस वक्त मिल रहे हैं लेकिन सब वो है। तो हम अपना गैस चूल्हा बर्तन लेके आए थे, तो वही एग्स वगैरह सब लेके आए थे, जैसे हम अपनी फर्स्ट वीडियो में शो किया था। तो इसी वक्त के लेके आए थे इमरजेंसी के लिए, तो भूख लग रही है, ठंड भी लग रही है, तो कुछ एग्स एंड ऑमलेट्स खाते हैं एंड देन उसके बाद विल कीप द जर्नी ऑन। भैया ये ऐसे पड़ा कि बैगी जब नहीं हो रहा तो हमें कुछ इंतजाम करना पड़ा भाई, ऊपर ही लगा। तो हमें अपना ब्लोअर यूज करना पड़ा, ऊपर से मारना, नीचे से मत मारना, कहीं फट फुट आ जाएगी। कहा सुनिए, पड़ी लग रही इसे क्या देखो, ये वाला आ गया। हाँ अरे भैया परात पकड़ो यार, तुम अपनी ड्यूटी से मत चुको। हाँ, बना दो भाई फटाफट से जैसे भी करके। मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कहना चाहूंगा, उठाना किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। बैठ गए मैगी बनाने के लिए हवा में, हवा चलेगी, ये नहीं देखे कि आज चलेगी कैसे। चटाई लो, सिलेंडर लो, पानी का है। देख वो झटके ले रही है नीचे वाली गैस। चलो ये चलाना इसे। साहिब अब हल्की आंच पे पकने दे। फाइनली मैगी बन गई। केचप डालो, केचप भाई, केचप डालो इसमें, केचप भाई मुझे अलग निकाल दो फिर। क्यों केचप नहीं खा, दाल पर खाऊंगा। चलो ऐसे ही खा लेंगे। चलो कैसी है, टेस्ट करो। गरम है, पहाड़ की मैगी सही बन गई यार, खूब गल गई। चांद नहीं बोल रहा है कुछ। मैगी फिनिश, इट्स टाइम टू वॉश यूटेंसिल्स। लो मैं दूँ, तुम पानी डालो। चलो फिर यहाँ से निकल रहे हैं शिमला। शिमला भी नहीं रुकेंगे अब, है ना? क्यों, उसके आगे रुकेंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं नारकंडा के लिए, अब नारकंडा ही रुकेंगे। भाई साहब जितनी तेज हवा चल रही है, देखिए जरा फुहार चल रही है, फुहार लग रहा है हमारे को, जैसे बर्फ गिर रही हो कहीं पे। तो यहाँ से निकल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बर्फ अगर गिर भी रही हो तो कहीं। हाँ तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, मैगी खा लिए पूरे 5-6 पैकेट यार। ये नया टोल बना दिया कम से कम भाई, इस ये
दिल्ली से शिमला कम से कम 14 या 15 वाला टू ले दोबारा, इतनी बार आ गया। चल कोई बात नहीं, ठीक है तो अब वहीं मिलते हैं। कीप वॉचिंग जरा हम थोड़ी कह रहा है मैं सो लूं, थोड़ी व्लॉगिंग कर ले व्लॉगिंग कर ले। देखो अगर तुम सो गए तो मैं चला जा रहूंगा, चाहे वो क्या नाम है स्मृति पहुंचे या कहां पहुंचे बता रहे हो। हां हां पहुंच गई है, तुम स्मृति चला के इनके सोन से उठने से पहले चले मैं उठ जाऊंगा शिमला में। चलो फिर निकल रहे। शिमला लगभग 25-30 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया हमने, ये दोनों हमारे पार्टनर सो गए। तो इन्होंने मेरे को चाहते मुझे शिमला से 20-30 किलोमीटर पहले गाड़ी दी थी, वो तभी से सो गए। और जैसे शिमला से नारकंदा के ऊपर चढ़ाऊँ 20-25 किलोमीटर हो गए, ना कोई आगे है ना कोई पीछे, लिटरली मतलब ना तो किसी गाड़ी ने मेरे को आज सामने से कोई गाड़ी आई है ना कोई सामने से गाड़ी आई है, लिटरली नो वन सुनसान रास्ता। हे एवरीवन, सो वेलकम टू डे वन हम नारकंदा में स्पेंड करेंगे और डे जीरो पे हम लगभग 7-8 बजे के करीब निकले थे, अराउंड 8 o'clock दिल्ली से। और फिर हम चंडीगढ़ होते हुए फिर शिमला आए, फिर शिमला से कुफरी आए, कुफरी से अभी हम नारकंदा 20 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और ऑलमोस्ट गाड़ी 407.2 किलोमीटर चल चुकी है जिसमें से 50 किलोमीटर पहले ड्रिवन थी, तो मोटा मोटी 460 किलोमीटर चल गई क्योंकि हमने बाद में ट्रिप स्टार्ट की थी, तो मोटा मोटी 460 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। और अभी मैं शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दिन नहीं निकला है और फेसेस आ रहे हैं हमारे काले, और वैसे भी हमारी शक्लें हो गई हैं बहुत बुरी रात पर गाड़ी चला के, क्योंकि ये दोनों तो सो लिए थे, मैं नहीं सोया था। तो मैं जगता हुआ ही आया हूँ। स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू लुक एट मी, सारे खेत के बगीचे, खेत के कह रहा हूँ सेब के बगीचे। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आर बालकनी, ये होटल बीच में आ गया नहीं तो अच्छा होता है।